पार के कसिहार के पास युवक का गला काटकर हत्या का प्रयास करने वाले फरार आरोपी राजन शाही पर एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर द्वारा इनाम घोषित करने की तैयारी की जा रही थी कि इसी बीच अपराधी ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। इस संबंध में सिटीमन संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अरुण कुमार सिंह ने बताया, ये घटना जैसा कि आप जानते हैं कि जिस दिन हुई थी उस दिन रात्रि में हुई थी और पीड़ित स्वयं अगले दिन दोपहर तक इस बारे में कोई सूचना पुलिस को नहीं देना चाहता था। उसके परिजनों ने दिन के 12:30 बजे सूचना दी, उसको पुलिस सक्रिय हुई, उसका इलाज हुआ जिससे उसकी जान बचाई जा सकी और पूछताछ में ही ये बात कहीं न कहीं से लग रही थी कि ये आदमी कोई न कोई चीज़ छिपा रहा है और अंततः जो विश्वास में आया तो उसने सारे तथ्य बताए जिसके आधार पर उसका मित्र ही उसके साथ ऐसा किया था, दोनों ने बैठ के साथ साथ दारू पी, उसके बाद उसने उसके साथ ऐसा किया। पुलिस ने FIR दर्ज करके उस पर प्रयास शुरू किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने उसको इनाम घोषित करने के लिए भी कहा था। इसी बीच आज जानकारी हुई उसने माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया है। विवेचक द्वारा उसका जेल में बयान लेकर के आगे की विधिक कार्यवाही पूरी की। सर, किस बात को लेकर वो गला देता था, कुछ मामला सामने आया? अब वादी मुकदमा उस तथ्य को छिपाना चाहता था और वो कहीं न कहीं से इलिसिट रिलेशंस को लेकर जिसका बहुत विस्तृत विवरण जो है वो कैमरे पे नहीं।